अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रहमत किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, और हम भी अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की दुआओं से बहुत बेहतर। तो आज मैं फिर से एक चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही उम्दा देखने में भी लग रही है, और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और बहुत ही लाजवाब थी, और ये एक्सपीरियंस मेरा भी बहुत अच्छा रहा। सोचा ली फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। तो आज मैंने बनाया है कढ़ाई चिकन, जो कि अपने तरीके से, अपने स्टाइल में। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आपको क्या करना है कि सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे तरीके का बना हुआ कढ़ाई चिकन आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाजवाब सी कढ़ाई चिकन की रेसिपी को। तो सबसे पहले ना मैंने ऑयल रख दिया था पहले ही गर्म होने, और मैंने इसमें डाला है 500 ग्राम चिकन, जिसमें कि मैंने ना हड्डी वाले पीसेस कम लिए हैं, और जी ज़्यादातर बोटियाँ हैं और गर्दन वाले पीसेस हैं। तो हमने क्या करना है कि हमें कम से कम 5 से 7 मिनट ना सिर्फ ऑयल में इसी तरीके से अपनी बोटियों को तल लेना है, और तलने के बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले हम उससे पहले बोटियों को तल लेंगे, जिससे कि हमारी बोटियों का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारी बोटियों का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैं डालूंगी टमाटर प्यूरी, आप चाहें तो टमाटर ऐसे ही कट करके डाल दें और उसके बाद में उनके छिलके हटा सकते हैं। तो मैंने पहले ही टमाटर प्यूरी ऐड की है, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। और टमाटर प्यूरी के संग संग मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और एक मीडियम साइज़ का प्याज, और 4 हरी मिर्ची, इन चीज़ों का मैंने पेस्ट बनाकर ऐड किया है। और ये मैंने दही डाली है, जिसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा पतला आपको नज़र आ रहा होगा। सो तीनों चारों चीज़ों के साथ में मैं अपने चिकन की कर लूँगी अच्छे से भुनाई, और उसके बाद मैं मसाले ऐड करूंगी। तो जिसमें सबसे पहले मैंने ली है रेड चिल्ली पाउडर, यानी कि लाल मिर्ची पाउडर, और आधा चम्मच सौंफ धनिया का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्ची, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, और 1 से 2 चम्मच के करीब मैं 1 चम्मच में लूंगी करीबन करीब धनिया पाउडर। तो इस तरीके का ये मैं मसाला ऐड करूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे, हम नॉर्मल मसाले का रखेंगे, और उसके बाद नमक लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग होने के बाद हमने क्या करना है, अपनी जो चिकन की करनी है भुनाई अच्छे से, और जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे उतना बेहतर होगा। तो अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा और धनिया पाउडर। इस तरीके से मेरा 2 चम्मच धनिया पाउडर हो गया और आधा चम्मच हल्दी हो गई। हल्दी से ये है कि हल्दी का एक बड़ा प्यारा सा कलर आता है सालन में, यानी कि सब्जी में हमारा, तो कलर के लिए बहुत अच्छी होती है हमारी हल्दी, और टेस्ट भी अपना आता है। तो उसके बाद हम तेज़ पत्ते की पत्तियाँ डालेंगे, और ये इस तरीके से लौंग, काली मिर्ची, इलायची, लाल मिर्ची डालेंगे हम। अभी फ़िलहाल मैंने एक डाली, मुझे ज़रूरत रही तो मैं आगे और डाल दूँगी। तो आपको अगर ज़रूरत मुताबिक आपको मसाला तीखा पसंद है तो आप इसमें तीखा बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा तीखा और ना बहुत ज़्यादा फीका। तो लाल मिर्ची में थोड़ी सी आगे चल के और बढ़ाऊंगी। आधा चम्मच मैंने डाला है पीली मिर्ची का, आधा और आधा, यानी कि 1 चम्मच हो गया। और ढक्के पकाने के बाद मैंने गैस को कर दिया था ऑफ, और इस तरीके से हमारी बोटियाँ आपस में लिपट चुकी हैं मसाले से। तो यहाँ पर आकर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची डाली हैं अपने मसाले में, और फिर से मैंने फ्लेम को ऑन किया है, और अभी फ्लेम है लो। सो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बोटियाँ फिर से भुननी शुरू हो गई हैं, और मैंने इसमें रेड चिली भी बढ़ा दी थी जो कि स्किप हो चुका है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हरा धनिया पत्ती से इसको डालकर हल्का सा पकाना है, क्योंकि जो हरे धनिया का जो एक फ्लेवर आता है वो बेस्ट होता है। हरे धनिया अपनी जगह पर एक अच्छा सा फ्लेवर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी सी ग्रेवी, और एकदम थिक थिक सी ग्रेवी है, और एकदम बोटियाँ जो मसाले में वो लिपट चुकी हैं। सो तो ये मेरे कढ़ाई चिकन की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना है आपको। और चलिए फिर हम जल्दी से फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। सो तो मेरी कढ़ाई चिकन है बिल्कुल रेडी, और ये लीजिए हम फटाफट से डिश आउट कर लेते हैं अपनी डिश को। और देखिए कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और जो उसकी बोटियों की टेस्ट है, खुशबू है सालन का, और मसाले की जो थिकनेस है वो सब कुछ एकदम बेस्ट और एकदम अलग है।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, आपको मुझे बताना है कि कैसी रही आपकी, मतलब कैसी रही मेरी ये चिकन कढ़ाई वाली रेसिपी। आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि यहाँ पर आपकी कमी है, यहाँ पर आपने ये यूज़ नहीं किया, तो वो उसका ये है कि मुझे उससे भी फ़ायदा होगा, मैं अपनी वीडियो में थोड़ी सी चेंजिंग लाऊंगी अपनी रेसिपीज़ में। और आप कहाँ से मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो मुझे वहाँ से भी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप तो कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है नहीं आती हैं, कुछ भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। ऐसा कोई मसला नहीं है कि सिर्फ अच्छी कमेंटों की ज़रूरत है, आप चाहें तो मेरी कमियां भी बता सकते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो चलिए फिर हम ना आगे चेक कर लेते हैं अपनी बोटियों की गलावट को। तो देखिए माशाल्लाह से बोटियाँ हमारी गल चुकी हैं, देखिए माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी बोटियाँ गल गई हैं और जो मसाले का टेस्ट है ना वो अंदर तक बैठ चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।